बीजेपी जो विधायकों की बात कर रही थी कि राम भाई को हरियाणा से लाया गया, बाकी गुरुग्राम, बाकी बेंगलुरु से चार विधायकों को आने की बात कही, लगातार सरकार गिनाई की बात की, क्या कहना? देखिए, भाजपा अपने बाहुबल से उनका विश्वास हो गया, दम बचा नहीं उनके साथ, इसलिए छद्म राजनीति करके, छल और कपट की राजनीति करके 15 साल की सरकार में भ्रष्टाचार में जो पैसा इनके मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने कमाया है, उस भ्रष्टाचार के पैसे के बल पे विधायकों की अस्मिता को खरीदने का घिनौना षड्यंत्र कर रहे हैं। लोकतंत्र पे कड़ा प्रहार मारता हूँ, ये घिनौना षड्यंत्र मारता हूँ। राम भाई को धन्यवाद देता हूँ, जब उसे जबरदस्ती रोका गया हरियाणा के होटल में, बीजेपी के गुंडों ने एक लपड़ दिया उनने, तो दादागिरी से सबको साथ में वापस लेके आई, तो ऐसी झांसी की रानी हमारे साथ में, कांग्रेस सरकार के साथ में, तो ये भाजपाइयों की औकात नहीं है कि हमारी सरकार को गिरा दें। चार चार बार कोशिश करी सवा साल में, चार चार बार फ्लोर टेस्ट कराया, हर बार मुंह की खाए इनके विधायक, हमारे साथ आगे वोट डाल रहे हैं। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती? जब महाराष्ट्र में छल कपट से तुमने एक दिन की सरकार बनाई, भाजपा के मुख्यमंत्री ने रात रात शपथ ली, रात के अंधेरे में दो दिन बाद सरकार गिर गई, या कुछ पांच पांच छह छह सात सात राज्यों में चुनाव हार रहे हैं, इसलिए हताशा और निराशा का वातावरण नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेके शिवराज चौहान तक है, तो हताशा के इस वातावरण से छुटकारा पाने के लिए खरीद फरोख। मैं निर्दलीय विधायक शेरा जो है वो भी जब भोपाल जा रहे हैं, और जो हरदेव सिंह डंग के उनके बारे में जानकारी नहीं पा रही, इसको अरे विधायक आ रहे हैं, ये तो हमारे विधायक मजे ले रहे हैं बीजेपी के, लाल टपक रही है बीजेपी की, शिवराज चौहान की, अमित शाह नरेंद्र मोदी की। अरे कमलनाथ तुम सबका गुरु है, कमलनाथ नाम है उसका, सारे विधायक लौट के आ रहे हैं, वो तो मजे ले रहे थे बीजेपी के, वो बेचारा, मैंने तो कहा एक टीवी में, जब शिवराज चौहान गए नरेंद्र मोदी के वहाँ, ये सारा षड्यंत्र फेल हुआ, तो उन्होंने कहा आ गए ठाकुर, क्या लाए हो, खाली हाथ आए हो, जाओ भोपाल जाके मुंह काला कराओ, मुंह काला करा। बीजेपी के विधायक भी आपसे संपर्क में है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दमदारी से संपर्क में, और कोई पैसे के लालच में नहीं है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि भले अपनी सरकार नहीं है, हम केंद्र सरकार से पैसा लाके तुम्हारी विधानसभाओं में काम कराएंगे। आज तक उन बीजेपी के विधायकों के इलाके में फूटी कूड़ी का काम नहीं हुआ। कमलनाथ जिस अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, भू माफियाओं का दमन, कालू नजर माफियाओं का दमन, रेत माफियाओं का दमन, असामाजिक तत्वों को जेल के पीछे डाला, इन नीतियों से खुश होते हैं वो कांग्रेस में आते हैं। मैं जिस तरह से बात आ रही थी, निर्दलीय विधायक जो है कि मंत्री पद की मांग कर रहे थे, और आपने बोला था कि अगर जरूरत पड़े तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन सरकार को नहीं देने दूंगा। हमारी पहली प्राथमिकता है कि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को 5 साल का मैंडेट दिया, और जनता का विश्वास खंडित ना हो, हम जैसे घर के लोग, हम कई लोग ऐसे मुख्यमंत्री को खुली छूट दी कमलनाथ जी को कि हम सबसे इस्तीफा ले लो, जिन्हें मंत्री बनाना है आपको पूरा अधिकार है, मंत्री बना दो, कहीं कोई दिक्कत आती है यदि सरकार चला। भैया सिंधिया जी दिल्ली में पूरे मामले को लेके आ रहे, उनको तबियत ठीक नहीं है, हर घंटे कमलनाथ जी से टेलीफोन पे मोबाइल। भैया मंत्रिमंडल का गठन होगा जल्द? देखिए, अभी एक मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार है, एक मुख्यमंत्री प्रदेश के बारे में क्या सोचते हैं, हाई कमान से मिलकर निर्णय वो ले। भैया कैलाश विजयवर्य कितना आते हैं पूरे मामले को लेकर? कैलाश विजयवर्य की जो उपाधि नहीं है ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमेशा कहते हैं 15 से 20 विधायक कांग्रेस के हमारे साथ। तुम्हारे पिताजी में दम हो नरेंद्र नरोत्तम, सरकार क्यों नहीं गिरा दी? भैया संपर्क में है, तुम्हें लालच दे रहा है हमारा विधायक, तुम्हारे मजे ले रहा है कांग्रेस का विधायक, और तुम मजे दे रहे हो हास्यास्पद के पात्र बन रहे हो। सराना विधायक महेश परमार ने तो यहाँ तक शिवराज सिंह को भी आरोप लगाया कि उन्होंने 35 करोड़ का ऑफर दिया। महेश परमार ने बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि सबसे ज्यादा लार मुख्यमंत्री बनने की तो शिवराज की टपकरी, सही बोला मैं।